नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं फेस पर होने वाले छोटे छोटे व्हाइट कलर के दानों के बारे में। अक्सर हम इन्हें कंफ्यूज कर जाते हैं व्हाइट हेड्स के साथ या पिंपल्स के साथ, पर जब भी हम इन्हें फोड़ते हैं तो इसमें से व्हाइट कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। इन दानों को अगर हम फोड़ देते हैं तो ये हमारे पूरे फेस पे, पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। क्या होते हैं ये? इसको कहते हैं मोलेस्कम कंटाजियोसम। एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से स्किन पर छोटे छोटे बम्स निकलते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस होते हैं और बहुत बड़े नहीं होते हैं साइज में, 2 से 3 mm के मैक्सिमम साइज में जाते हैं और वाइट कलर के बीच में से हमको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इसको लाइट में देखोगे तो बीच में एक वाइट कलर का ह्यू दिखाई देगा और साइड साइड में आपको एक रेड कलर की लेयर दिखाई देगी। तो ये है मोलेस्कम कंटाजियोसम, वायरल इन्फेक्शन है। तो अगर आप इसको फोड़ देते हैं या उस जगह का ब्लड दूसरी जगह के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फैल जाते हैं। तो क्या करना है, इसका इलाज क्या होता है? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, 1.5 से 2 साल के अंदर ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। पर उस समय तक, क्योंकि आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे ये आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? पहला जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है रिमूवल ऑफ द लीजन, मतलब जितनी जितनी जगह पे वो दाने हो रहे हैं, कॉटरी लेजर की मदद से उन जगहों पर से उन लीजन को पूरा हटा दिया जाता है। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट होता है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो इसको जड़ से खत्म करेगा। आप दोनों ट्रीटमेंट को मिला के भी ले सकते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ऊपर से आप इनको निकलवा देते हैं, तो ये दोनों वर्क करते हैं ताकि जब तक नए दाने आएंगे तब तक आपका वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वर्क करता रहेगा। तीसरा ट्रीटमेंट इसमें जो हो सकता है वो ये है, आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें जिसमें आपको ट्रेटिनॉइन नाम की एक क्रीम दी जाती है, अलग अलग कंसंट्रेशन की होती है, आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग वो आपको दी जाती है। उसके साथ में कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी दिए जाते हैं जो कि एक तरह की दवाइयां होती हैं इसको खत्म करने के लिए। तो मोलेस्कम कंटाजियोसम जो आपके फेस पर दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे सफेद दाने, कई बार लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं व्हाइट हेड है, वो फोड़ देते हैं, पर एक फोड़ा दूसरा आ गया, दूसरा फोड़ा, ऐसे पूरे फेस पर या पूरे नेक शोल्डर, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। अब क्या ये फैलते हैं? जी हाँ, एक इंसान का ब्लड अगर दूसरे इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये उसको भी हो सकते हैं, पर बहुत जल्दी नहीं फैलता है। अगर आपका कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा टाइट है तो ही ये फैलता है, जैसे आपसे आपके बच्चों को ये फैल सकता है, आपसे हस्बैंड को ये फैल सकता है, पर तीसरे बंदे को फैलने का चांस थोड़ा कम होता है। अब अगर ये व्हाइट कलर के दाने दिख रहे हैं तो क्या इनको बार बार दबा देना चाहिए? इनको आपको टच भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटरी इस्तेमाल करनी है या जो इसको लिए ट्यूब दिया गया है वही इस पर इस्तेमाल करना है, और कोई चीज इस पर इस्तेमाल नहीं करनी है। मोलेस्कम कंटाजियोसम का जड़ से इलाज जरूरी होता है, वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग है, एक समय के बाद खुद से खत्म हो जाते हैं, पर तब तक ये सारे इलाज आप कर सकते हैं। मोलेस्कम कंटाजियोसम के बारे में कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बचपन में छोटे बच्चे से लेकर एजेड पर्सन, किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप में ये आराम से हो सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस एज में होगा या इस एज में नहीं होगा, मेल में होगा कि फीमेल में नहीं होगा, किसी भी पर्सन को हो सकता है। इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को ये होता है। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।